बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हतम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि सिर्फ 3 दिन के बाद उस कोर्स का आगाज़ होने वाला है जिसका बहुत सारी प्यारी और अच्छी लड़कियों को और ख़वातीन को इंतज़ार है। और ये कोर्स है हाउ टू बिकम एन एडोरेबल गर्ल। ये 12 से 22 साल की लड़कियों के लिए, थोड़ी बड़ी भी हों तो वो भी सीख सकती हैं। जिस जिसका दिल जवान है और जिस जिसके दिल के अंदर जज्बा है सीखने का और उम्दा बनने का और बड़ा बनने का, ये उन्हीं के लिए है। वो सब इसका हिस्सा बन सकती हैं। बहुत सी बच्चियों ने, ख़वातीन ने पूछा है कि हम रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करें, क्योंकि ये 4 की शाम को 5 बजे इसका आगाज़ होना है। तो उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करा लीजिए। 4 चीज़ें चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 0332-7468746। इस व्हाट्सएप पर आप 4 चीज़ें भेजेंगे, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल, और चौथा अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इजी पैसा या जायज़ कैश में या बैंक में 2000 जमा कराएंगे और उसकी रसीद या वो जो सबूत है वो साथ भिजवा देंगे कि ये 4 चीज़ें मुकम्मल हैं। तो फिर हम आपको, हमारी टीम 24 घंटे के अंदर, ये 4 चीज़ें मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको पासवर्ड और यूज़र नेम भेज देगी। और फिर आगाज़ होगा वो मरहला जिसमें आप हमारे साथ शामिल होंगे एक शानदार लर्निंग के सफ़र पे। www.akhterabbas.com akhterabbas.com पे जाएंगे, कोर्स खोलेंगे, कोर्स में जहाँ परचेज़ का है, बाय का है, उसको दबाएंगे और वहाँ अपना यूज़र नेम, पासवर्ड। इट्स वेरी फ्रेंडली, वेरी इजी। आप घर में सुबह करना चाहें, शाम करना चाहें, दोपहर दफ्तर से वापस आके खाना खाते हुए, खाना पकाते हुए, किसी भी लम्हे आप इस कोर्स में हिस्सा बन जाओगे पर 5 बजे के बाद। और जो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं वो भेजेंगे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या किसी भी जो उनके यहाँ इस तरह का अदारा है, $30। और जितने लोग होंगे उसी लिहाज से आप भिजवाते जाइए। ये व्हाट्सएप करने से पहले जब आप जाएंगे .com पे तो वहाँ बैंक का नाम, बैंक का नंबर और ये सारी चीज़ें डिटेल मौजूद है, उसको देखिए और उसके बाद हमको भिजवा दीजिए। तो जो ही आपको यूज़र नेम मिलेगा आप फिर वहाँ जाएंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे और साथ ही उसका हिस्सा बन जाएंगे कोर्स का। हर एक सेशन के बाद एक सवालनामा है, दैट्स वेरी फ्रेंडली, आसान भी है, मुश्किल भी है, और साथ साथ आपके वो सवाल, 8-10 सवाल उसमें होंगे, उसका रिज़ल्ट भी साथ का साथ आ जाएगा। तो यू विल इन्जॉय। लर्निंग जब भी होती है ज़िंदगी में खुशी लेके आती है, ज़िंदगी में जज्बा लेके आती है। इस वक्त हमारे 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं akhterabbas.com पे। 2 आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, उसकी फ़ीस में कंसेशन है, यानी कुल 3000 में 2 कोर्स हो जाएंगे। और अलग अलग करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, वो तो आपका है ही, आसानी है। इस तारीख के अलावा भी आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। प्रोसेस का यही है, 4 चीज़ें भिजवाएंगे और उस कोर्स का 24 घंटे के अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन अब ये तो पहली खबर थी। दूसरी खबर ये है कि पीर को मैं कॉल लेता हूँ आपकी 9 से 10 बजे, 5 मिनट की कॉल होती है, फ्री होती है, हमारी तरफ से गिफ्ट होती है, आप अपने मसले मसाइल दुख सुख सारे शेयर कर लेते हैं। पर ये क्वेश्चन पूछने के लिए है, 5 मिनट की, अपने आप फिर ड्रॉप हो जाती है। 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जितने हमारे घंटे हैं ये एक एक घंटे की काउंसलिंग आवर्स होते हैं। एक घंटे का स्लॉट होता है, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, 101 भी और कॉल पे भी। और उसका प्रोसेस आप किस वक्त पूछ लीजिए, फ़ीस जमा कराएंगे और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पर अब हमने ये किया है कि मंगल को सुबह 9 से 10 बजे वो सारे खातिन हजरात जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, कुछ ख़ास है, कुछ बेहतरीन है, कुछ मेमोरेबल है, कुछ एडोरेबल है, कुछ ऐसा जो सिर्फ दुख से भरा हुआ नहीं है कि कानों को दुखी, दिल को और रूह को ज़ख्मी कर दे, कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं, तो आप मंगल को सुबह 9 से 10 मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको मिलेंगे, इसमें सॉलो जॉब नहीं होंगे, इसमें आप काउंसलिंग के लिए या अपने मसाइल मुझे काइंडली ना बताइएगा, उसका अलग सिलसिला है। ये तो शेयरिंग है, जब आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में किसी को ऐड कर लूं या किसी को रेफरेंस भी इस्तेमाल कर लूं, तो ओके, इट वुड बी ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। पर चूंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें भी मौका चाहिए कि हमारा भी नाम और काम आए, तो ओके, बिस्मिल्लाह, फ़ाइन। लेंगे खातिर हज़रात, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। और आज का मौजू बहुत ख़तरनाक सा है। ये तो आपने सुना होगा कि कोई लड़की घर से भाग गई, ये भी कभी कभी हो जाता है कि कोई लड़का घर से भाग गया,
पर ऐसा बहुत कम होता है कि अब्बा जी के जुल्म व सितम से, उनकी ज़ुबान की तुंदी और तलखी की वजह से बीवी अपने चार बच्चों समेत घर छोड़ के चली जाए और अब्बा जी इस आलम में हों कि दफ्तर गए हों या अपने काम पे गए हों, जब घर आएँ तो वो साएँ साएँ और भाएँ भाएँ कर रहा हो और वो कोई चीज़ लेके भी ना गए हों कि आप उन पे इल्ज़ाम भी लगा सके, ना जेवर ना कोई कपड़े ना लत्ता, वो जो आपको बहुत अजीज़ थे बड़े बड़े बेहंगम से सोफ़े और पेटियाँ और बेड जिनका आपको बड़ा जोम और मान होता था कि वो सारी वो छोड़ गए। अब जहाँ वो गए होंगे, अल्लाह जाने वो बिस्तर ज़मीन पे बिछाते होंगे, गद्दे उनके पास होंगे कि नहीं होंगे, पर इतना तो यकीन है कि वो मरे नहीं होंगे, उनके कानों में वो जो सीसा उंडेलने वाले जुमले हैं वो भी नहीं पड़ते होंगे। पर काश आप इस पे सोच सकें कि इतना ब्लंट फैसला, इतना बड़ा फैसला किसी एक मर्द के उन तलख जुमलों और बुरे बदतरीन रवैये की वजह से अगर कोई फैमिली लेती है तो कितनी तंग होगी। जब वो मुझे बता चुके तो मैंने उनसे पूछा कि अब उनके जाने के बाद सबसे बड़ा मसला आपका पता क्या है, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या, तो मैंने कहा सबसे बड़ा मसला आपका फेस सेविंग है। अब आपके दोस्त पूछेंगे, आपके इज़्ज़त वक़ार पूछेंगे, भाभी कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, एंड यू हैव नो आंसर एट ऑल, इवन आपके पास तो रब्ता नंबर भी नहीं है। अब आपको स्पाइल लगाएंगे, ढूंढने लगेंगे तो शायद ढूंढ लें, लेकिन ढूंढने में कई माह लग जाएंगे। तो ये वक्त आपके पास होगा ज़रा गौर करने का, अपने रवैये को रिविज़िट करने का, रिवाइज़ करने का कि क्या क्या गलतियाँ की। ये नहीं है कि क्या गलती की, ये क्या क्या गलतियाँ होंगी। और अगर कुछ हम बैठ कर मेरे पास आए इतनी दूर से, कुछ हम तफसील डिस्कस कर सकें तो शायद आने वाले दिनों में आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। ये मैंने नहीं कहा कि मरना आसान हो जाएगा, पर वो भी आसान हो जाएगा। ख़ातिन हज़रात, जब हमारी डिस्कशन आगे हुई तो उन्होंने बताया कि इनफैक्ट वो बाज़ दफ़ा अपनी अम्मा से मिलने के बाद या अपनी भाभी से मिलने के बाद जब घर आते थे तो अपनी बीवी को देख के उनका पारा इतना चढ़ जाता था, और वो बुरी नहीं लग रही होती थी, वो चार बच्चों की माँ थी, उनके साथ वफ़ादारी से इतने साल रह रही थी, लेकिन चूंकि एक औरत ने जो कभी माँ होती है और कभी भाभी, इतना वो पंप कर देती हैं, इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आके समटाइम उन्होंने अपने बच्चों के बारे में ये कहा कि मेरे तो हैं ही नहीं हैं, पता नहीं तुम ये हरामजादे कहाँ से लेके आई हो, और बच्चियों के बारे में कहा कि आई हेट देम, और मेरा जी चाहता है और किस रोज़ मेरा जी चाहा तो मैं इनके मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगा। आप उस फ़र्द से मिलते तो आपको लगता कि एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हमाकत, ऐसी नादानी कर सकता है, लेकिन ख़ातिन हज़रात ये नादानी एक मर्द तब करता है जब उसकी पुश्त पे कोई अहमक या साजिशी औरत खड़ी होती है और वो उसकी करीबी अजीज़ा होती है, कोई महल्ले वाली नहीं हो सकती, ना कोई आपकी कोलीग भी ऐसा नहीं करवा सकती। ये जहर वो जो सांप की पोटली होती है ना, ये हमेशा जॉइंट फैमिली में दो तीन औरतों के पास होता है। वो औरत आपकी सगी माँ भी हो सकती है, वो आपकी भाभी भी हो सकती है, जैसे इस खातून की तो वो जिठानी लगी। तो आप सोचिए, ख़ुद तो उसको इज़्ज़त चाहिए, ख़ुद उसको आराम चाहिए, ख़ुद उसको बड़ी स्पेस चाहिए, पर उस गरीब को जो उसके देवर की बीवी है और पिछले 20-25 साल से उस घर में है, चार बच्चे हैं, 22 साल, 18 साल, 14 साल, अब ये तरतीब इतनी उम्र की हो और इस इतने साल उस औरत ने किस कर्ब से गुजारे हों, किस तकलीफ़ से गुजारे हों। अभी उनको ख़ुद एहसास हो रहा था कि ऐसे जहरीले जुमले जो मैं कहता रहा, मेरा मतलब तो ये नहीं होता था, तो आपका फिर क्या मतलब होता था। आप दूसरे का दिल चीर के उसे खून के फुहारे निकलने लग जाएं और आप उसे बाद में कहें यार बंद कर लो, मेरा ये मतलब नहीं था, आपने जो कहा या आपसे जो कहलवाया गया, आपने अपनी हमाकत से और अपनी नादानी से जो कहा, उसने एक आपकी बीवी के दिल नहीं तोड़े, आपके बच्चों के दिलों को भी आपके बारे में नफ़रत से भर दिया। और ये सिर्फ दो औरतों का बोक्स था, अगर वो दिल बड़ा कर लेती और उसको कबूल कर लेती, आप तो फिर भी उसी के बेटे रहने थे, उसी के वो आपकी भाभी रहनी थी, आप उसके देवर रहते। पर ये जो बेचारी आई थी, ये आप ही की ज़िंदगी को संवारने आई, आप ही की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने आई। हम औरतों को समटाइम ये सोचते हैं कि ये सख्त बोल जाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, लेकिन मैं सच कहूँ आपसे, इन बेचारियों पर जगह जगह इतना जुल्म होता है,
कि अगर उस जुल्म की कहानियाँ लिखी जाएँ तो किताबों के ढेर शायद आसमान तक चले जाएँ। और ये जुल्म मर्द नहीं करते, मर्दों से आम तौर पर करवाए जाते हैं, यानी ये खुद कच्चे कानों वाले होते हैं, कुछ अकल की कमी, कुछ मोहब्बत की ज़्यादती, कुछ उन रिश्तों के साथ एक ख़ास तरह का। अच्छा, मैं भाभियों के बारे में ये नहीं कह रहा कि कोई गुनाह की नीयत उनकी होगी या उनके साथ कोई ताल्लुक ठीक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, पर ये जो हुक्मरानी का एक लानती किस्म का जज्बा है, ये घरों को बर्बाद कर देता है, ये उनको अजाब में मुब्तला कर देता है। अब उस बड़े बड़े सारे घर में खाली उन सोफ़ों पे और खाली उन बड़े बड़े बेडों पे आप बैठे होंगे अकेले, क्या माइयों से अब खाना खाएंगे? माइयाँ आपके कपड़े धोएंगी या वो भाभियों और माँ के आपके काम करेगी? एक दिन दो दिन हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर एक एक दिन और एक एक रात आपको सताएगी कि आपने कितनी बुरी उनके साथ ज़िंदगी की, कितना बुरा सलूक किया, कितने जहरीले जुमले कांटों की तरह उनकी ज़िंदगी में बो दिए। और वो जहाँ होंगे एक एक पल गिन के खुश होंगे कि हम उनसे दूर हैं और उनके जो शर से भरे हुए जुमले हैं उनसे महफूज और बचे हुए हैं। खातिरों हज़रात, खुदा ना खास्ता कभी कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी औरत आए जो आपको इंगेख्त करे और रिश्तों को बेवकूत करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए, डिसग्रेस करने के लिए आपको टूल बना ले, तो ऐसा टूल बनते हुए भी 10 दफ़ा सोचना चाहिए, अहमक नहीं बनना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड्स। रब ने आपसे पूछना है, उनसे तो उनको पूछा जाएगा, पर जो आपने किया गलती और ब्लंडर, इसका इल्ज़ाम किसी और पर नहीं लग पाएगा। सो ऐसी गलती करने से, ऐसा ब्लंडर मारने से बचना चाहिए और दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए, मर्द बनना चाहिए, ये लाइलग नहीं बनना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।